हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? इधर देखिए, मैं आप लोगों को भूटान का व्यूज दिखा रही हूँ। टेरिस पे से मैंने शूट किया ये सब। ये भूटान का नीचे मार्केट है, सब इधर दुकानें हैं। इधर सामने नीचे इस साइड में पार्क है छोटा सा, और ये सब भूटान का सीन है। इधर ऊपर सब पहाड़ दिखाई दे रहा है, नीचे सब मार्केट एरिया है। इधर से देखने में इसका व्यूज बहुत ही अच्छा लगता है, और यहाँ सब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें ही हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ मिर्ची वड़ा। मिर्ची वड़ा बनाने के लिए मैंने ले लिया मिर्ची। इसको मैं अच्छे से धो करके बीच में से फाड़ करके इसका जो अंदर का सब मिर्च है, बीज सब निकाल दूंगी। देखिए, इस तरह से मैं सब साफ़ कर लूँगी मिर्ची को बारी बारी से। ये देखिए, मैंने सारा इसका बीज निकाल लिया है अच्छी तरह से। इधर मैंने मिर्ची का स्टफिंग तैयार करने के लिए आलू उबाल लिया है। उबाल कर किसका छिलका उतार लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसको मैश करूंगी, सब मैश अच्छा से कर दूंगी इन सबको। इधर मैंने बेसन ले लिया है इसका घोल बनाने के लिए। इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, थोड़ा सा मिर्चा पाउडर, थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला। अब मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा लेकर अजवाइन क्रश करके इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको क्रश कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका बैटर बना लूंगी। इसका बैटर न ज़्यादा पतला होना चाहिए, न ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए इसका। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं अच्छी तरह से घोल रही हूँ। बैटर का घोल इस तरह से होना चाहिए। अब मैं इसकी स्टफिंग तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने डाल दिया कढ़ाई में ऑयल, और इसमें मैंने डाला है जीरा, अदरक, मिर्चा, हरा मिर्चा डाल दिया है, और इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ हल्दी, मिर्चा, धनिया पाउडर, और मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला। इसमें मैंने थोड़ा सा हींग ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी ऐड कर दिया है थोड़ा सा।
और मैं थोड़ा सा नमक मिला कर के इन सबको अच्छी तरह से पका लूँगी। इसमें साथ ही मैं इसके साथ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। स्टफिंग तैयार हो चुकी है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब मैं मिर्च के अंदर सब स्टफिंग धीरे धीरे से भर लूंगी सब। स्टफिंग करने के बाद मैं इन सबको तल लेती हूँ। अब बेसन में अच्छी तरह से डाल के और फ्रेंड्स, यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना न भूलिए। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। कितना ही अच्छा बना है ये। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और अपना कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कैसा बना है। ये देखिए, मेरा मिर्ची वड़ा बन चुका है।